रन साहब, आज मैंने सुना कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। ये जो आईनी तरामीम है, इसके ऊपर हुकूमत के क्लेम है कि नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को हम वैसे ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। अगर तो नंबर पूरे हैं तो फिर मौलाना साहब की ज़रूरत क्या है? वो कल पेश करके परसों उसको पास करवा ले, इसका मतलब नंबर नहीं है, यही समझे ना हम। मारिया, आपने इतनी अच्छी रिपोर्ट स्टार्ट में बनाई तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि अगर उस पर बात ना की जाए पहले, जरूर करें। फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा तो ये बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है। सच्ची बात यह है कि इस मुल्क की अदलिया ने ना इंसाफियां इतनी की हैं इंसाफ के नाम पे कि लोग कहते हैं इंसाफ की दुकान जज कर लो वकील करने की बजाय, और मशवरा कौन देता है? वही वकील। और क्यों होते हैं? चूंकि ये चिटों पर जज भर्ती होते हैं, आला अदलिया में ये चैंबर्स के वकील भर्ती होते हैं। ये सबको इंसाफ फराम करने के लिए कहते हैं, इश्तिहार क्यों नहीं दिया एक पीएन का? 1992 में 12 जजों ने बैठ के फैसला दिया केपी में, उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी होता था, कि आपने भर्ती क्यों किया बगैर इश्तिहार के। मुझे ये बताएं, इन सबके पास बहुत टाइम है सब कामों के लिए, ये अपने आप के अंदर इसलाहात के ऊपर क्यों, इनके ऑडिट के लिए ये क्यों नहीं जाते? ख्वाजा शरीफ ने शहबाज शरीफ के पास जाके जबरदस्ती, आप समझ लें, जो पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब भर्ती करती थी सिविल जजों को, वो दोबारा हाई कोर्ट को वापस लिया। यहां मसला हमारा ये है कि लोअर जुडिशरी काम क्यों नहीं करती? जब आप चॉइसेस पे लाते हैं, मर्जी से लाते हैं, उसमें पैसे के भी इल्जाम है। अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में फैसला पड़ा हुआ है मुल्तान में भर्तियों का। मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ एक मुल्तान की जगह तब्दील की थी, सारे वकील इनके खिलाफ हो गए थे, और साकिब निसार साहब इनको बजाय वहां पे खड़ा रहने के लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के, इन्हें इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में उठा के ले आए। यहां पे पसंद नापसंद पे देखे ना, ये तीन बड़े अच्छे मौजूद जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, याया अफरीदी साहब, बतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब मोहतरम, तीनों एक ही चैंबर के हैं। मतलब कमाल है ना हमारे पास कि, और तीनों मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए हैं। ये है वो मसला कि हमारी हाई सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां यहां आज 65,000 या 67,000 केस हैं, तो वजह उसकी यह है कि ये सिर्फ उन 200 केसों पे ही चले जाते हैं। दो साल से अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं तो ये करते क्या हैं? ये सारे बेंचेस, बड़े बड़े बेंचेस, फुल कोर्ट किस चीज के लिए होती हैं? सर, ये जा क्यों रहे हैं अदालतों में, मामले जा क्यों रहे हैं? मतलब मैं यही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने अदलिया पे बात की है ना कि नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और जब इनको छेड़ने जाए तो कहते हैं जनाब नहीं, हमारी तो इंडिपेंडेंस को जो है ना बहुत बड़ा धचका पहुंच रहा है। भैया आपने खुद क्यों नहीं ठीक किया? आप पूरे मुल्क की इस्लाहात के लिए बैठ जाते हैं, आप चीनी की कीमत मुकर्रर करते हैं, आप रिकॉर्डिक को जीरो कर देते हैं, आप स्टील मिल को जीरो कर देते हैं, आपका जो दिल करता है आप इंसाफ फराम करने लग जाते हैं, इंतजामिया की जगह बैठ जाते हैं, आप अपॉइंटमेंट्स में, प्रमोशंस में बाई ऑर्डर हुक एंड क्रुक कराते हैं जो काम आपका नहीं है। लेकिन आप नहीं करते तो अपनी असामियां पूरी नहीं करते। उमर अता बंदयाल साहब चले गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पूरी नहीं की। ये हाई कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं इतने दिन में बंदा भर्ती करके हमें रिपोर्ट करें, ये अपने हाई कोर्ट के 23 जज लाहौर हाई कोर्ट के क्यों नहीं पूरे करते? पेशावर हाई कोर्ट के तो अभी तो हाई मतलब ला में तब्दीली करके मजीद जज दे दिए गए हैं उनको कि जनाब आप और भर्ती कर लें। इस्लामाबाद में चंद साल पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं होती थी, एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता था और वो पूरा इस्लामाबाद ठीक ठाक चला लेता था, चंद दर्जन केसेस जाते थे पिंडी, रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में। यहां तो वही किस्सा है कि अगर एक वकील है तो भूखा मरेगा एक गांव में, और दूसरा है तो सारा गांव भूखा मरेगा। हमारी तो अदलिया ने इस तरह पांव फैला लिया, हमारी जुडिशरी ने, इन्होंने। अब आप आ जाए जो आपका सवाल, मैं उस पर फिर आती हूँ, आपने जो बात की है ना, ये बंदे पूरे पे फिर मैं सवाल करती हूँ। देखें, इसमें काजमी साहब, जो आमिर इलियास राणा साहब ने जो बात की अदलिया की प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक बात है, हमारी अदालत तो की चेकर्ड हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या उसका हल फिर ये है कि आप अल्टरनेटली एक आईनी अदालत बना लें, क्योंकि वहां प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, वो उन्होंने ठीक नहीं किए, तो इसका नतीजा हम ये निकालेंगे कि हम अलहदा एक आईनी पैरेलल सिस्टम बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम वो हम ठीक करेंगे, उसको हम ठीक चलाएंगे। देखिए, मतलब यहाँ पे तो हमने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया ना, अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया, कितनी अदालतें होंगी, कितने जज लगेंगे, ये कानून साजी तो पार्लियामेंट में होनी है। सारा इल्जाम हमने दे दिया जनाब के ये, क्योंकि अदलिया खुद नहीं करना चाहती ये, अगर आईनी अदालत बना रहे हैं, ये आईन के अंदर तरमीम करके कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक और अदालत बैठा देंगे, तो इनको किसने रोका हुआ है कि ये कानून साजी करें कि मजीद लोअर जुडिशरी में जो है वो केसेस के पेंडिंग है? कभी आपने आज तक सुना कि किसी वजीर ने कहा हो, किसी जमात ने कहा हो कि जनाब इतने केसेस वहां पर पेंडिंग है और वहां पर हम ये करना चाहते हैं, नए जजेस लगाना चाहते हैं? तो ये सियासी बुनियादों के ऊपर सब कुछ हो रहा है ना, और जो भी जजेस तैनात होते हैं वो ये तो नहीं है कि दो जज बैठ के कर लेते हैं, उसमें वजीर कानून भी होते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी होते हैं, वो सारे मिल बैठ के इकट्ठा करते हैं।
तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ कहना कि अदलिया कोई आइसोलेशन में ऑपरेट कर रही है और बाकी यहाँ पे किसी का किरदार नहीं है, अदलिया के साथ जो मुकन्नना का किरदार है, जो इंतजामिया का किरदार है, वो बिल्कुल सामने है। तो आपको उसको पूरे तनाजुर में देखना पड़ेगा। और जो मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपके जो मोस्टली 2 मिलियन केसेज है वो तो मजिस्ट्रेट की निचली जो अदालतें हैं उनमें, उनके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते। यहाँ पे इशू ये बन रहा है कि आपने अदालतों को कंट्रोल करना है। चैम्बर्स तो यहाँ पे 1947 से हैं, पहले किसी को चैंबर्स का कोई मसला नहीं था। जो ही आपको पता चला कि हमारी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, हमारी मर्जी के ताबे नहीं है अदलिया, तो आपको इशू हो गया। नहीं, लेकिन बिलावल तो कह रहे ना, ये चेहरे बदलते जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी बदल जाएगी, हुकूमतें भी बदल जाएंगी, जजेस भी बदल जाएंगे। हम तो स्ट्रक्चरली इसको ठीक करना चाह रहे हैं ना। आज हम चलो अगर आज हम बेनिफिशियरी हैं, कल को हम हो सकता है कि दूसरी साइड पे भी हों। वो तो कह रहे हैं उसको ठीक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आप इस तरह नहीं अदलिया को चला सकते कि आप रोज ऑर्डिनेंस लेके आ जाएं कि पहले कमेटी ऐसे बैठेगी, फिर दोबारा कह दिया कमेटी वैसे बैठ जाएगी। आपका इशू यह है कि आप अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। माजी में इल्जाम क्या है अदलिया के ऊपर? अदलिया के ऊपर इल्जाम यह है कि वो सियासी हुकूमत के खिलाफ किसी और के साथ मिलकर करती है और जनाब वो इस तरह के फैसले आते हैं। अभी इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त टोटल कोशिश यह है कि अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि हमारी मर्जी के मुताबिक चीफ जस्टिस आए। क्यों नहीं आप मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कर रहे? किसने आपको रोका हुआ है? कि वाजे आपको बदनीति नजर नहीं आ रही इसमें मारिया कि 3 महीने पहले आप काजी फायज ईसा साहब का नोटिफिकेशन करें, मंसूर अली शाह साहब का आपने जो फेयरवेल डिनर यहां पे अनाउंस हो गया लेकिन नया चीफ जस्टिस कौन होगा वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो सामने पूरी कौम को नजर आ रहा है कि मकसद सिर्फ एक ही है कि अदलिया हमारे ताबे हो, अदलिया जो हम कहें वो करें। ऐसा नहीं हो सकता। देखें, हर किसी के यहाँ पे गलतियां होंगी लेकिन जो कम से कम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस आइन के उनको तो कायम रहने दें।